हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज है हम लोग MRF का एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, ट्राई सीरीज। हम लोग है तेलंगखेड़ी ग्राउंड में और साथ में हम लोग तैयारी कर रहे हैं नाश्ता बनाने की। यहाँ पे पोहा बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नौशाद भाई काट रहे भी नींबू। और ये भाई ने शहीद हो गए थोड़े से, खून पसीना सब बाहर है यहाँ पे सब लोग। इंट्रोडक्शन में ये है सोहेल भाई, बहुत क्लास बैट्समैन है, ऑलराउंडर है एक्चुअली, लेकिन अभी आजकल बॉलिंग नहीं कर रहे, थ्रो बोल बोल करके बंद करवा दिए उनकी बॉलिंग। ये है मुदस्सिर भाई, हमारे कैप्टन MRF टीम के। वैसे टीम MRF का फुल फॉर्म है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फाउंडेशन MRF टायर, मत समझिएगा। तौसीफ भाई, इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, एक नहीं दो है, पहले यूट्यूब चैनल है, बाद में आपने MRF, मतलब पहले इनका भी MRF के फाउंडर है ये, सबसे पुराने प्लेयर MRF के। नौशाद भाई, शाकिर भाई तेज गेंदबाज, और ये हमारी टीम के न्यू मेंबर सागर भाई, श्रीकांत भाई, और ये सबसे सीनियर दो बंदे जो बुजुर्ग है, इनाम भाई जो कि शेफ भी है नेशनल ऑप्टिकल्स, और मोहसिन भाई। भाई आपके क्या थॉट है इस मैच के लेकर? सिविल लाइन 11 जीतेगा और लास्ट मैच पे सब कुछ डिसाइड करेगा फिर, क्योंकि अपने वांदे हो जाएंगे अगर हमारे जीत गया तो। ये यूट्यूब में डालेंगे, YouTube में डालेंगे, आप भी आ जाओ शाम। साउंड आ रहा है प्रॉपर? खाना आने का लिए चाचा? अभी पोहे का लिए ना बेटा, अभी और बनाएंगे। तो ये मैच में अभी कितने रन चाहिए? 62 का टारगेट है 8 ओवर में। काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, कम रन पे रोका है अदनान भाई लोग को, भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करना पड़ेगा अगर ये मैच उनको जीतना है और फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो, है ना, क्योंकि हमारे वांदे तो पहले लग गए। ये बात नौशाद भाई ने लेकर आ गए, पोहा बन गया, रेडी हो गया है, नींबू की धार, और टेस्ट पूछेंगे विथ मिट्टी विच मिट्टी एंड धूल, ये जरूरी है। मिट्टी चाहे मिट्टी में जाएंगे, हाँ और क्या करेगा, सही बात है। तौसीफ भाई कैसा है टेस्ट? औसम। ये है संडे का मजा, दिन भर क्रिकेट और साथ में पोहा। चार रन, बहुत ही प्यारा शॉट मारा है। कैसा है दोस्त? पोहा कैसा है? बहुत टेस्टी। बुराई कोई करे, हमको पसंद नहीं आएगा, बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सबने मेहनत करे उसके लिए। क्या चम्मच रखे हैं? नींबू इधर है। तो अब मैचेस हो गए ख़त्म और हम निकल रहे हैं घर के लिए। आज हमने दो मैचेस खेले थे जिसमें से एक हम लोग हारे थे, थोड़ा क्लोज मैच हुआ था, अच्छा टफ मैच हुआ था वो, और सेकेंड मैच जो है वो हमने वन साइडेड जीते। और अब मैं एक्चुअली हूँ फुटारा के पास में, ये मेरे राइट हैंड साइड पे है माफसू, महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छा कैंपस है इसका, जो लोग एनिमल एंड फिशरी में इंटरेस्टेड है उनके लिए बहुत अच्छा कॉलेज है ये। एंड मैं भी गुजर रहा हूँ सिविल लाइंस फुटारा की तरफ से, और चलिए आपको रास्ते का हल बताते हैं। और अब मैं पहुँच चुका हूँ फुटारा, ये नागपुर का फेमस चिलिंग पॉइंट है फॉर यंगस्टर्स एंड बुज़ुर्गों के लिए भी चिलिंग पॉइंट, और घूमने के लिए अच्छी जगह है। अगर आप आना चाहें नागपुर के आसपास हो तो यहाँ पे ज़रूर आइए, चेकआउट कीजिए। लॉरी वाले भैया थोड़ा सामने से हट ही नहीं रहे हैं, फिर जल्दी जल्दी निकल निकलना है, घर जाना है,
और चलिए ना ओवरटेक करते हैं। अब ओवरटेक करके निकल तो गए हैं आगे, अब ये पहुंच रहे हैं हम लोग। ये शार्प यू टर्न है एक तरह से, लेफ्ट साइड में है मेरे बॉटैनिकल गार्डन। बहुत ही फेमस गार्डन था ये, जो काफ़ी साल से बंद हो चुका है। और इसके थोड़े आगे में है केंद्रीय विद्यालय, और सामने जो आपको एक ब्लू कलर का गेट शायद दिख रहा होगा थोड़ा आगे, वो है नागपुर एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स। एक्चुअली यहाँ पे अंदर पूरा एयरफोर्स ऑफिस है एंड क्वार्टर्स है एयरफोर्स, जो हमारे जवान हैं उनके लिए। चलिए राइट टर्न लेते हैं, काफ़ी अच्छी रोड है। और मेरे लेफ्ट साइड में जो अभी दिख रहा है ये एनसीसी कैंपस है। यहाँ पे एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है, हॉर्स राइडिंग एंड अदर जो उनकी एक्टिविटीज़ है वो सारी होती है। काफ़ी अच्छा एरिया है ये, सिविल लाइंस नागपुर का बहुत फेमस एरिया है, सेमिनर हिल्स एरिया। मैं यहीं पर रहता हूँ इसलिए मुझे पता है, घर के पास का एरिया है। चलिए चलते हैं, हम लगभग घर पहुँच ही गए हैं। और ये सामने से गुजर रही है एक बलेनो, इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली, बाकी फीचर्स तो पता नहीं लेकिन डिज़ाइन अच्छा लगता है उसका। और ये मेरे लेफ्ट साइड में है एक अच्छी सी लाइब्रेरी, बट वो भी वेटनरी और फिशरी यूनिवर्सिटीज़ की है। तो चलते घर पहुँचने वाले हैं वैसे तो। यहाँ से राइट टर्न और चले। वैसे ये मेरा पहला व्लॉग है, ठीक से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, धीरे धीरे आदत आ जाएगी, हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। मैंने सोचा, मुझे बाइक राइडिंग का और घूमने का बड़ा शौक़ है, तो मैंने सोचा इसी के साथ ही साथ व्लॉग भी बनाया जाए। अब आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। वैसे मुझे और क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में आप लोग अगर एडवाइस दे तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होगा। और ये देखिए फ़ोन पे बात करते हुए बाइक चला रहा है, होगा ऐसे नहीं करना चाहिए। और हम पहुंच चुके हैं घर के पास में। हाँ तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि हमें, मुझे इम्प्रूवमेंट जो वीडियो में लगे उसके बारे में मुझे एडवाइस दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है मिराज शेख व्लॉग्स, मिराज शेख मेरा नाम है। और यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।